तो आज हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब जिन भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 जो की है, लेट आर बी द सेट ऑफ द रियल नंबर्स डिफाइन द रियल फंक्शन एस एस डेट आर टेंस टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टेन एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। हमें इसमें बताया कि R एक रियल नंबर का सेट है और जहां पे एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है और जो कि हमने लिखा भी है f such that जो फंक्शन है वो ऐसा है R tends to R, इसका मतलब रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ है, मतलब जो डोमेन है उसमें जो नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे और जो को डोमेन है उसके अंदर भी सारे नंबर्स रियल नंबर होंगे। इसके बाद हमें फंक्शन पता है x प्लस टेन, हमें ग्राफ बनाना है इस फंक्शन का। इजी सा क्वेश्चन है, सोल्व करके देखें। ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए और इस फंक्शन को डिफाइन करके देखें। हमें बताया है डोमेन में हम आर रख सकते हैं, आर मतलब एक्स की वैल्यू, हम कोई सी भी रियल नंबर में से कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब कोई भी एक नंबर रख सकते हैं। और हमें ग्राफ भी बनाना है, इस कारण से हम इंटीजर्स को लेके चल रहे जो कि रियल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे कि अगर मैं एक जीरो की वैल्यू देखूं तो यहां पर जीरो आ जाएगा तो एक्स की जगह आ जाएगा जीरो प्लस टेन इक्वल टू टेन। अगर माइनस में देखूं यहां पे आ जाएगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह माइनस वन प्लस टेन इक्वल टू नाइन। इसे प्लस का वन देखूं तो वो हो जाएगा वन प्लस टेन इक्वल टू इलेवन। इसका मतलब हमारे पास ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं जहां पे हम अगर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू मिलती जाएगी और इसी के थ्रू हमें ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बना के देखें तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो लिया हमने, जैसा कि पहले भी हम पुराने वीडियो में बता चुके कि ग्राफ को भी अगर ग्राफ बनाएंगे मेजरमेंट के साथ ग्राफ बनाएंगे तो वही परफेक्ट बनेगा। ये अनइवन मेजरमेंट के साथ है, इस कारण से इसमें गलती होने के परफेक्ट चांस है। हमने एक्स की वैल्यू जीरो रखी थी, वाई की वैल्यू मिली थी हमें टेन। इसका मतलब हम अगर एक्स की वैल्यू रखे जीरो, वाई की वैल्यू देखे तो आएगी टेन। और इस हिसाब से देखें अगर हमने एक्स की वैल्यू ली थी माइनस वन तो y की वैल्यू आई थी हमारे पास नाइन, x की वैल्यू अगर हमने ली माइनस वन तो y की वैल्यू आई हमारे पास नाइन। ऐसे ही देखें अगर x की वैल्यू वन लेंगे तो y की वैल्यू आ रही है इलेवन, तो x की वैल्यू वन लेंगे तो y की वैल्यू यहां पे कुछ इलेवन आएगी। और ऐसे ही है, इस साइड में देखेंगे तो ऊपर पड़ता जाएगा, इस साइड में नीचे जाता जाएगा। तो ऐसे आपको पॉइंट होगा जब वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो अगर उसे हम निकालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे अगर हम x की वैल्यू माइनस का टेन लें तो यहाँ पे माइनस टेन हो जाएगा या प्लस टेन हो जाएगा, माइनस टेन प्लस टेन हो जाएगा जीरो। इसका मतलब अगर x की वैल्यू हम ले लें माइनस टेन तो y की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ग्राफ खींचने के लिए सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो जो हमारी इक्वेशन दे रखी उसका ग्राफ बन जाएगा। अब एक खास चीज इक्वेशन से सीखने को मिलती है वो ये है इसका फॉर्म, एफ एक्स मतलब होता है वाई और ये है एक्स और ये कॉन्स्टेंट है और एक्स के साथ कुछ भी है मल्टीप्लाई में हो सकता था। और अगर इसी फॉर्म को हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाती है जो हमें आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगी। नॉर्मली हमने लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन देखी वो होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इसे हम सोल्व करके देखें मतलब y की वैल्यू निकाल के देखें तो हो जाएगा माइनस सी माइनस ए एक्स डिवाइड बाय बी। और इसे थोड़ा और सही रख के देखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। तो यहां पे इसे गौर से देखें तो ये इसका फॉर्म ले लिए, यहां पे ये हो जाएगा m जिसे स्लोप कहेंगे और ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, मतलब हम यहाँ पे साइन के ऊपर कोड नहीं कर रहे, वो कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे माइनस से प्लस आ सकता है। तो हमें यह याद रखना कि यह है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन, ये आगे अभी क्वेश्चंस में भी काम देगी। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, एग्जांपल 19, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। शो दैट हमें आर रिलेशन दे रखा है और
जो कि q से q तक है, q रेशनल नंबर के लिए डिनोट किया जाता है, और रिलेशन दिया a p मतलब x और y वाले का, जहां पे a p दोनों के दोनों रेशनल नंबर के अंदर आ रहे, और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो इंटीजर के अंदर आता है। मतलब कोई से भी दो ऐसे रेशनल नंबर ले सकते हैं जिनका अगर हम डिफरेंस करें तो एक इंटीजर बन जाता है, तो इस रिलेशन में आ सकते हैं। इसमें पहला बिट है ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। तो जो बेसिक शर्त है वो ये है कि दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। तो अगर हम देखें, अगर दोनों नंबर ए और ए होंगे तो ए माइनस ए जो कि होता है जीरो, और जीरो होता है इंटीजर। इसका मतलब ए ए इस रिलेशन में आ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई सा भी ऐसा नंबर आए जो इंटीजर के अंदर नहीं आ रहा है, या जो यहाँ पे कोई सा भी ऐसा नंबर है जो इंटीजर नहीं है, तो वो इसी रिलेशन में नहीं आ सकता है। बस इतनी सी बात को हमको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होगा। अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है तो ऑफकोर्स b माइनस ए भी बिलोंग्स टू जेड होगा, क्योंकि अगर दो नंबर को माइनस करने पे एक इंटीजर आ रहा है, तो अगर दोनों के साइन चेंज करके माइनस कर दे तो केवल आंसर का साइन चेंज होगा। जैसे 3 माइनस टू होता है 1 और 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, और दोनों के दोनों इंटीजर है, इसी आप से ये भी इंटीजर होगा। सो हम कह सकते हैं बी ए आर से बिलोंग करेगा अगर ए भी आर से बिलोंग करता है तो। थर्ड बिट को देखें, इसमें दिया ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। इन्होंने बताया ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होगा, और बताया कि बी सी बिलोंग्स टू भी आर है, इसका मतलब है कि बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड होगा। तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी और b माइनस सी दोनों को प्लस कर ले तो वो बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए, क्योंकि अगर दो इंटीजर है उन दोनों को प्लस करेंगे तो एक इंटीजर आंसर आता है, और ये बात हम जानते हैं। इस कारण से ये बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। अगर ये सोलो करें तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, और यह बच जाएगा ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, और ए माइनस सी जेड से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए सी रिलेशन में आ रहा है। तो थर्ड बिट भी यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़े। एग्जांपल 28, लेट ए इक्वल टू 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड इन टू जेड फाइंड एफ एक्स। हमें एक फंक्शन बताया और उसे रोस्टर फॉर्म में लिख रखा है, और बताया कि एक लीनियर फंक्शन है जो कि जेड से जेड है, इसका मतलब डोमेन भी जेड है और कोडोमेन भी जेड, मतलब दोनों इंटीजर है। फाइंड एफ एक्स, तो हमें एफ एक्स फाइंड करना है। यहाँ पे इस बात पे गौर करें कि यहाँ पे बताया है लीनियर फंक्शन, इसका मतलब अगर वो लीनियर फंक्शन है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमने फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कि होना चाहिए, उसके अंदर जब हमने एफ वन वैल्यू रखी होगी तो एंसर आया होगा 1। इसका मतलब एम एक्स प्लस सी इक्वल टू 1 है। ऐसे ही हम इस वाली वैल्यू को देखें, क्योंकि जीरो के कारण से हमारे पास कम वेरिएबल होंगे तो निकालना आसान होगा। तो एफ जीरो देखें तो वो हो जाएगा माइनस 1, और एफ जीरो के लिए एम एक्स की जगह, यहां पे भी हमने नहीं लिखा था, एक्स की जगह हमने 1 लिखा है तो 1, और यहां पे एक्स की जगह आ जाएगा 0, तो यहां पर आ जाएगा 0 प्लस सी इक्वल टू माइनस 1। तो एम इंटू जीरो हो जाएगा 0, तो सी की वैल्यू होगी माइनस 1, और सी की वैल्यू माइनस 1 इसमें रख दे तो एम सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1, इस साइड में प्लस 1 गया और 1 प्लस 1 होता है 2, तो एम की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हम वाई की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, मतलब जो फंक्शन है उसकी, क्योंकि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू सोल्व हो जाएगी, तो वाई मतलब एफ एक्स, एम की वैल्यू है 2, एक्स और सी की वैल्यू है ये माइनस 1। तो ये हो गया हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। ध्यान रखो यहाँ पे लीनियर फंक्शन दिया था, इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी, ये जो फंक्शन है हमारा
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। इस कारण से हमने यहाँ पे एफ एक्स की जगह एम एक्स प्लस सी का यूज किया है। ओके अगला एग्जाम्पल क्यों बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है, डोमेन के बारे में पहले बात करी थी हमने, डोमेन में वो सारे नंबर आ जाएंगे जिनकी हमारे पास एक इमेज होती है, तो हम जितने भी नंबर थे हमारे पास रियल नंबर में से उसमें से देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि जिसके कारण से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, मतलब आई की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब सिंपल सी बात हम जानते हैं कि जो रियल नंबर नहीं है तो वो वाई की वैल्यू नहीं हो सकती है, और ऐसी कंडीशन दो कारणों से आती है, पहला अंडर रूट के अंदर माइनस वन आ जाए या दूसरा डिवाइड के नीचे जीरो आ जाए। तो हमें कोशिश करनी है कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो, तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके कारण से ये नीचे वाला जीरो हो जाएगा, तो उस कारण से ये एक रियल नंबर नहीं रहेगा, तो हमें केवल एक्स की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसके कारण से ये जीरो नहीं बनता है, और इसी चीज को हम जीरोस कहते हैं। तो इसी क्वेश्चन का हमको जीरोस फाइंड करने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। एक्स अगर कॉमन निकाले तो यहां बचेगा एक्स, यहां बचेगा माइनस 4, माइनस कॉमन निकाले 1 भी बाहर आ जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1, और इस हिसाब से हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 4 और 1। अगर x की वैल्यू 4 और 1 दोनों में से कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0, और यहां पे अगर 0 आ जाएगा तो डिवाइड में 0 होने के कारण से ये रियल नंबर नहीं रहेगा, और इसी कोई सी भी वैल्यू को हम डोमेन में नहीं लिख सकते जिसके कारण से y की वैल्यू इमेजिनरी हो जाए। तो हम डोमेन में लिख सकते हैं सारे नंबर रियल नंबर में से, बस हमें ध्यान रखना है कि हम 4 और 1 इसमें यूज नहीं कर रहे डोमेन के अंदर, इसका मतलब माइनस 4 और 1, ब्रैकेट का अच्छे से ख्याल रखना, केवल इन दो नंबर की बात करी हम, जैसे कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, ओपन और क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं किया। ओके लास्ट एग्जांपल क्यों बढ़े, एग्जांपल 22, इसमें दिया द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, उसके बाद दिया 1 माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है तो, 1 अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो, और एक्स प्लस 1 अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, इसमें भी ग्राफ ड्रा करना है, तो करके देखते हैं। हमें एफ एक्स में बताया अगर एक्स लेस देन 0 हुआ तो वाई की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम 0 से कम ले, जैसे कि एक्स की वैल्यू लू माइनस 1, मतलब जैसे कि ये, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस माइनस 1 क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू माइनस 1 ली, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। ऐसे अगर हम एक्स की वैल्यू ले माइनस 2, इसका मतलब ये, तो यहां पे माइनस 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 और 2 हो जाएगा 3, तो अगला पॉइंट हो जाएगा यहां पर। ऐसे अगर हम बढ़ते जाए तो ऊपर बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा हमें दिया था अगर x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू होगी 1, मतलब x की वैल्यू अगर हम 0 ले तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके अलावा दिया अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, तो अगर हम x की वैल्यू ले 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 मतलब 2, x की वैल्यू ले 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 3, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने कहा था तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, क्योंकि ये भी एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही है। तो सारे एग्जांपल ये भी फिनिश होते हैं, अगले वीडियो में वापस से अगली एक्सरसाइज मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना, पर एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।